ठीक ठाक की रात दे जा रहे हो या फिर जा तो रहे हैं लेकिन कार नहीं बनी। अच्छा मोटरसाइकिल तो जा रहे थे तेरे को है ही मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल तो है मोटरसाइकिल चलते हैं फिर खींच ले चल तू सी फिर होयो। अच्छा तू नहीं जाना मैं फिर सोच रहा थी मैं के शायद ना ही जाना होवे। अच्छा नहीं जाना तो है चल तू सी होयो फिर है। अच्छा तू कार से जाना है कार ते रही है हाँ करे रहे ना मैं फिर आज दे देना मेरा सवेर तो फिर काम तो ड्यूटी ले जाना। अच्छा मोटरसाइकिल चले जाते हैं मोटरसाइकिल ले आए सवारी सारी उड़ी है कीवे तो पता जाना पैर फिर वापस आवे ये भी सही है आज किस्मत ही नहीं है लग रहा नहीं नहीं चले यार थोड़ा दिल है मैं इतन कह रहा हूं कि ना जाओ बाबा तेनू क्या दाई मैं तो उधर इंतजार में बैठा मैं तो काफी अरसे बाद टकरे हम मोटा मोटा तो है फिर भी की खाना आजकल बस बकरी शकरी खा ले रे। अच्छा बकरी शकरी ये तू महंगाई है कि बकरी काट दे आगे दाल शाल ही खाड़ी और उसकी की खड़ा कोई नौकरी शौकरी तो बन रहा है या नहीं छोकरी तो कोई नहीं नौकरी लगूगी इंशाल्लाह छोकरी ले और रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा ये कि कंप्लीट नहीं आया कदम में नहीं हुआ सनद कह रहे थे तो बाद मिल जाऊंगी और सनद नहीं रिजल्ट आज ओवरऑल ट्रांसफर पूरे सेशन ले कितने की उम्मीद है 3.4 की उम्मीद है। ये टॉपर की ने टॉपर भी है 3.889 है बोतल शोतल ला गया पानी ला गया ना थोड़े वास्ते नहीं नहीं पानी तो पिया बस चल दे हूं चल दे पानी पी ले पानी सादा पिया सादा पानी बंदा मोटा मोटा होवे ना फिटिंग चार्ज सुक्का बंदा होवे ते वो फिटिंग कपड़े पावे ते चस हो जांदी वो पीपड़ी जा बंदा बन जांदा आज नहीं जा रहे दूसरे जाना तो भी मन फुलकी में जाइए तीन बंदे जावे जब आया उनके में आज दर्शन है तो आखिर दिन है जिंदगी का चौधरी कोई जावे ना जावे आप जाना बस ये मैं लफज याद रखना कोई जावे ना जावे आप जाना तुम जाना है तुम तो वहाँ जाओ तुम नहीं जाना मैं फिर उधर जाना किधर दावत ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਦਾਵਤ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਵਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਸੀ ਦਾਵਤ ਡੀਏ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੱਲਾਂ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ पता तो है कितने यूनिवर्सिटी चार यूनिवर्सिटी देखी है डैडी बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी हाँ उस तो अगे 4 किलोमीटर है सही पहुँचे अभी कल पता कर लिया गड्डी तैयार हो गए ना सारे फिर जाने चौधरी देख ला आवाम बड़ी पक लेकिन असी नहीं हिम्मत आने कोई नहीं गड्डी अल्लाह ने दी है गड्डी दी है फिर ना शुक्रिया हो जाने गड्डी है चलो पानी आ गया पानी पी के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स क्या हाल है करता हूँ ठीक होंगे मैं हूँ अब्दुलरहमान और आप देख रहे हैं अब्दुलरहमान ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो हम जा रहे हैं DHA मुल्तान वहाँ पर जाकर सैर वगैरह करेंगे और हमने वैसे जाना था कार पे और कार का रेंट बना नहीं है यानी कि कार भी नहीं ली है तो आप मोटर बाइक में जा रहे हैं ये देख सकते हैं आप और अब चलते हैं फिर जी। तो फ्रेंड्स गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डाल लिया और अब चलते हैं और ये देखें जी सामने 75 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस इन पाकिस्तान ओके यानी कि इस पेट्रोल पंप को 75 ईयर्स हो गया है ना टोटल पेट्रोल पंप
जी तो फ्रेंड्स, हम DHA मुल्तान जो कि नई कॉलोनी बनी है उसके बाहर खड़े हैं। ये इन और आउटडोर है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लुक है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको इस कॉलोनी के रोड वगैरह दिखाते हैं, फुटपाथ वगैरह दिखाते हैं और माहौल दिखाते हैं भाई किस तरह की ये कॉलोनी है। जी तो फ्रेंड्स, हम कॉलोनी के अंदर इंटर हो गए हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह है। और आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन घास है और ये फुटपाथ के ऊपर देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशन की हुई है। और बिल्कुल साथ ही लेफ़्ट साइड पे ये एक किस्म का मैरिज हॉल है मेरे ख्याल में, या कोई और चीज़ है, बाद में देखते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने फुटपाथ को सजाया हुआ है और यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ही सख्त इंतज़ाम है, सिक्योरिटी यहाँ की बहुत सख्त है। और ये देख सकते हैं कि सड़कें आपको बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन नज़र आ रही हैं। और ये देखें बिल्कुल मोटरवे रोड बना हुआ है और कुशादा यहाँ पर सड़कें मौजूद हैं। और आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये देखें बहुत ही बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। जी सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आगे लेफ़्ट साइड पे देखें कोई डेकोरेशन नहीं है और लेफ़्ट साइड पे आगे मेरे ख्याल में डेकोरेशन कम हो रही है और अभी सड़कें वगैरह भी बनने वाली हैं। अभी सिर्फ ये मेन सड़क पे ऊपर हम जा रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे तो डेकोरेशन है लेकिन लेफ़्ट साइड पर अभी कच्ची सड़कें हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं DHA ज़ू और ये देखें ऊपर बहुत ही बड़ा डायनासोर है और ये नीचे बहुत ही लोगों का रश है, लाइनें बनकर लोग टिकटें खरीद रहे हैं। अंदर जाने की टिकट है 250। जी तो फ्रेंड्स, हम DHA ज़ू के अंदर मौजूद हैं और अभी भी यहां पर पहुंचे हैं और असर की नमाज़ का टाइम हो गया। सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपको एक एक चीज़ का विज़िट करवाते हैं। फैक्ट्री का गार्ड है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है। इधर से अंदर जी? जी इधर से अंदर। ठीक, आ जाओ। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ज़ू के अंदर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है और लोग फैमिलियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी पाँच का टाइम हो गया और असर की नमाज़ पढ़ते हैं। एक मिनट। माशाल्लाह जी, इस पिंजरे के अंदर बड़े बड़े मोर हैं और 3-4 मोरों ने अपने पर खिलाए हुए हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत देखें और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर बाद में दूसरे पिंजरों के अंदर विज़िट करते हैं कौन कौन से परिंदे हैं। चलो यार, पहले नमाज़ पढ़ते हैं फिर एक चीज़ दिखाते हैं उनको। जी तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड और अगली वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।